आज की वीडियो में हम डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री। ठीक है, 360 लोगों का एक ग्रुप है, उनसे कहा जाता है कि अपने मनपसंद जो भी सीजन है उसको वोट कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, समर को 360 लोगों में से 90 लोग पसंद करते हैं, रेनी को 120 एंड विंटर को 150। ये टोटल कितने? 360 लोग हैं जो तीन सीजन को पसंद करते हैं अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। ओके, इसका तो आंसर हमें सीधे दिख रहा है, कौन से सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं? विंटर को 150, 360 में से 150 विंटर को पसंद करते हैं। ओके, फर्स्ट का तो बहुत इजी था। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। देखिए, सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालना है। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स हो गए, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, जो नंबर ऑफ वोट्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन टू क्या होगा, ये पाई चार्ट में हमें ड्रॉ करना आ गए तो 360। ठीक है, किसी में भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला जो है 360 डिग्री है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360। बस मान लो अगर यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ दी गई होती, पॉपुलेशन होती, कोई नॉर्मल पॉपुलेशन, तो नंबर ऑफ एक सेक्टर की पॉपुलेशन होती, मान लो कोई जो है स्कूल टीचर है ना, कोई जो है मार्केटिंग में काम करता है, तो मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्कूल टीचर और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, है ना, तो वही चीज़ किया। एक सेक्टर है यहाँ पे, कोई भी सेक्टर होगा, नंबर ऑफ वोट्स, अभी देखिए मैं बताऊंगा कैसे, समर सेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, फिर रेनी आ जाएगा, फिर विंटर आ जाएगा, सभी के लिए अलग अलग सेंट्रल एंगल निकल के आ जाएगा। बस इतना याद करना है, एक सेपरेट नंबर ऑफ वोट्स एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनटू 360 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला हो गया, नॉर्मल फॉर्मूला है, किसी को भी याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है ना। ड्रॉ अ पाई चार्ट। ओके, अभी तो हमें केवल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व भी करना है। समर के लिए निकालते हैं सेंट्रल एंगल क्या होगा, समर के लिए निकालेंगे। अभी यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए, समर है, देखिए नंबर ऑफ वोट्स 90 दिए गए हैं और टोटल कितने थे? 360 लोग थे, 360 पीपल थे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 360 कर दो और इनटू 360, क्योंकि पाई चार्ट में अगर आप बनाओगे तो भाई ये पूरा रोटेशन जो होता है, मान लो मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से कोई एंगल है तो ये 90 डिग्री हुआ, और इसी को थोड़ा और आगे ले जाओगे तो ये 180 हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा और ले जाओगे तो 270 हो जाएगा, फिर इसको पूरा घुमा दोगे ना तो 360 डिग्री होता है एंगल, जो पूरा सर्कल एक 360 डिग्री का होता है बस। ठीक है, तो वही है इनटू 360 डिग्री। ओके, अब देखिए आपको यहाँ से देखिए 360 कैंसिल, 90 आ गया समर का सेंट्रल एंगल, इसी तरह से रेनी का निकाल लेंगे, रेनी का भी सेम, रेनी कितना है? 120 है। ओके, 120 डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि टोटल एंगल है तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। ओके, इनटू 360 जो एंगल दिया गया है, ठीक है, तो 360 कैंसिल डिवाइडेड बाय, सो कैंसिल इज इक्वल टू 120 बचेगा। उसके बाद विंटर में कितने लोग, विंटर का सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 150 हैं और डिवाइडेड बाय टोटल 360 हैं इनटू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, बचा कितना? 150 डिग्री, ओ सॉरी 150 ही बचा, ये डिग्री नहीं है, सॉरी डिग्री कुछ नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है,
ना कि कोई एंगल निकाला हमने। ओ यहाँ पे तो ये सॉरी एंगल ही बन गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो ये एंगल ही बन गया क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है। ओके ठीक है ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ आ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें एक पाई चार्ट और बनानी है इस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। आप देखिए यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पाई चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले पाई चार्ट किस पे बनेगी, एक सर्कल पे बनती है। पेन क्यों नहीं चल रहा है, चल ओके okay। अब इसके सेंटर पे देखिए हमारा रेन समर कितना है, 90 डिग्री है। ओके 90 डिग्री कैसे बनेगा, पहले तो हम यहाँ पे एक बेस लाइन बना लेंगे, उसके बाद कुछ शुरू करेंगे। ठीक है, या हाफ तक हमने एक बेस लाइन बना ली। अब देखिए ये रेड वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको यहाँ पे रखेंगे। देखिए इस तरह से ये आ गई, ये देखिए ये है ना, यहाँ पे रखी मैंने इसके सेंटर पे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, 90 डिग्री बनाना। तो यहाँ पे मतलब हल्का सा मार्क कर लेंगे, आप पेंसिल से कर लेना। ठीक है, इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है ओके। उसके बाद क्या कह रहा है कि 120 जो है रेनी के लिए, अब जो देखिए इसका बेस जो है यहां से हो जाएगा। अब इस तरह से लेंगे हम, ठीक है, ये 120 यहां से आएगा क्योंकि अब इसका बेस यहां पे बन चुका है। ठीक है, 120 ये रहा। ओहो शिट, मैंने आगे बढ़ा दी, केवल आपको सर्कल तक रखना था। ठीक है ओके, इसके बाद यहाँ से बेस लेंगे, कितना है, 150। और आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा एक मिरेकल टाइप का हो गया। देखिए 120 के ऊपर मैंने यहाँ पे जो नया बेस बना 150, अपने आप ही देखिए यहाँ पे आ गया, ये रहा 150 एंगल। और देखिए ये ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर रखी थी मैंने। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि यहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है, आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे 90 बना लिया था, इसी बेस को लेके मैं 120 भी बनाऊँ तो क्या दिक्कत होती, तब आपकी दिक्कत ये हो जाती, तब आप पूरा इसमें फिल नहीं कर पाओगे 360 डिग्री। ठीक है, ये तो 90 हो चुका था, हमें इसके आगे बढ़ना था। 90 तो ये समर के लिए डेडिकेटेड है, यहाँ पे ये समर के लोग हैं। अगर आप यहाँ पे फिर 120 भी देखिए, ये देखिए है ना, 120 अगर यहाँ कर देते हम तो ये कहाँ यहाँ पे कहीं जाता, मतलब 90 का भी मिल रहा है और रेनी भी आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो 90 भी हो जाएगा, समर के भी लोग आ जाएंगे इसमें और रेनी के भी आ जाएंगे, है ना। सेंट्रल एंगल ये नहीं कहता, हमको सेपरेट सेपरेट करना था। जैसे ही आपका 90 डिग्री यहाँ पे बन चुका था, अब इसको आपको बेस लेके अब आगे बढ़ना था यहाँ से। तो मैंने यहाँ से इसको बेस लिया, फिर आगे बढ़ा, तो फिर 120 किया। ठीक है, 120 किया, फिर नया बेस मिला, फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से डी को रखा। डी से फिर जो 150 था वो ऑटोमेटिकली मुझे मिल चुका था, ये क्योंकि ये पूरा सर्कल जो है 360 बन चुका था। ठीक है, यही कह रहा था और कुछ नहीं। और चलिए अब इनको नेमिंग कर देते हैं। ओके, ये कितना है, 90 डिग्री है, ये आपका 120 डिग्री है, ये आपका 150 डिग्री है। ठीक है, दिस इज फॉर समर एंड दिस फॉर रेनी एंड लास्ट वन फॉर विंटर। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।